यानी क्रिएटिव फोटोग्राफर वो है जिसकी हर तस्वीर कुछ अन सी से कहे कुछ अनदेखा दिखाए तखली की फोटोग्राफी को कुछ इस तरह बयां करते हैं रघुराय तेईस साल की उम्र में 1965 में रघुराय ने फोटोग्राफी शुरू की द स्टेट्समैन अखबार के साथ 10 साल गुजारे बतौर चीफ फोटोग्राफर उन्नीस में रघुराय के काम से मुतासिर होकर हेनरी काटे ब्रेसो ने उन्हें मैग्नम फोटोज के लिए नामजद किया जो पूरी दुनिया के बेहतरीन फोटोग्राफर्स की एक कोपरेटिव है पचास साल के सफर में जिस नज़र से रघुराय ने भारत को देखा वो नजर शायद किसी और के पास नहीं रघुराय आज हमारे रूबरू पचास साल की जर्नी में अगर मैं तुमसे घूम के पूछूं कि रघु तुम कहाँ पहुँचे तो क्या कहोगे वहीं जहाँ से शुरू किया था क्योंकि वही मस्ती वही दीवानगी और उससे भी ज़्यादा पागलपन अभी भी बरकरार है जब काम करता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि सांस लेना भी जो है ब्रीदिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम सांस रोक के शुरू में बहुत सारी चीज़ें हम जानने में होती रहती हैं कि बच्चा इतनी टेंडर नन्नी नन्नी बातें कर जाता है और हम सोचे अरे देखो बच्चा क्या बोल गया उस बच्चे को उसका एनालिटिकल उसका मायने ना पता हूँ लेकिन वो जो फील और एनर्जी जिसमें जी जाता है तो वैसा ही मेरी हालत थी कि जब मैं शुरू किया तो मैं अपने बड़े भाई पॉल से 11 साल छोटा अब वो एक्सपीरियंस बंदे थे हमारे सामने तो बातें करते थे संगीत की नेचर की पोइट्री की और मैं कहता था वाह वा, क्या बात है लेकिन बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल आंखी से न टपका वो फिर लहू क्या है एक इंटेंसिटी जागी से कि यार क्या बात है कोई बात बड़ी लाजवाब है यार कि जो आंख ही से ना टपके वो लहू क्या है तो ये बात जो थी वो घर कर गई वो बातें जो मैं उनके साथ जिया शुरू के पाँच सात दस साल और वैसे भी कहते हैं कि जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं और नंसेस होते हैं उनको बड़ी देर लगती है एक्सप्रेशन में आने के लिए तो शायद अभी भी बहुत कुछ बाकी है ज़्यादा तुम तो तो बातें पहले पॉल की नहीं करते थे जितनी अब करने लगे हो क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुझसे खफा रहता है अभी भी नाराज रहता है हाँ। कोई डाउन का हिसास नहीं होता कभी तब होता है जब यंगस्टर्स मुझे कहते हैं सर आप तो इतनी तेजी से चले जा रहे हैं देखिए <laughs> ऐसा मत करिए हम थक गए एक तो दो तीन चार आठ दस रोमांसेस है आपके <laughs> एक तो ताजमहल सो रोमांस ये ताजमहल के साथ तुम्हें खास रिश्ता कैसे पैदा हुआ वन ऑफ़ एडिटर्स द वो बड़े क्रिएटिव इंसान थे mm -hmm. एक दिन उन्होंने कहा यार ताजमहल तो mm -hmm. sure mm -hmm. mm -hmm. तो मैं भी एक्साइटमेंट में आके चल पड़ा mm -hmm. ताज की तस्वीरें खींचने अब तो लैंडस्केप इतना बदल गया है उसके आसपास कि वो फीलिंग वो बात वो सब गायब होने लग गई हैं क्योंकि चारों तरफ ग्रोथ इतनी हर तरह की किऑटिक ग्रोथ है तो मैं ताज के अभी डेढ़ दो किलोमीटर दूर था तो जो रोड जमना के साथ साथ ताज को मुड़ती है तो मैं वहीं से ताज के डोम ताज का डोम ताज के मिनरट्स उठे हुए और आगे लाइफ कैसे चल रही है तो मैं उसको फोटोग्राफ करते करते जब तक पहुंचा अंधेरा हो गया था दूसरे दिन जहां ठहरा था वहां से चला तो वहां से फिर तो आज वो दिखाई दिया तो मुझे दो दिन लगे ताजमहल के अंदर पहुंचने में अब यह है कि ताजमहल का आप एक बढ़िया सा मॉडल खरीद के हाइट पार्क लंडन में रख के उसको फोटोग्राफ कीजिए ताजमहल ही लगेगा दूर से द कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वेर इट स्टैंड तो वो जो इंडियन लैंडस्केप जो है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें उसको रख के और उस इमारत को जो स्टैटिक है एक्सप्रेशन देना वाज़ द the... एक तुम्हारी अजीब व गरीब मॉडल थी और उससे तुम्हें इश्क था और तुमने उसकी बेपनाह तस्वीरें ली अब किसका जिक्र और, और वो जब उसका देहांत हुआ <स्था> जिस प्यार से हिंदुस्तान ने उस नन को मदर तरीसा को सेंड ऑफ किया है yeah. ये था हिंदुस्तान की विशालता मदर तरीसा से जो इश्ट तुम्हारा हुआ उसकी इब्तदा क्या थी 1970 एट दैट टाइम मदर वाज हार्डली नोन छोटा सा मदर का ऑफिस छोटी सी उसमें पुरानी सी टेबल एक चेयर पर मदर बैठी जो डोर था उसमें हाफ कर्टन लगा हुआ था hmm. तो उस हाफ कर्टन में से मैं क्या देखता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे सिस्टर्स खड़ी बाइबल हाथ में प्रेयर कर रही हैं और वो कर्टन जो है फ्लटर कर रहा है ऐसे तो मैं तो लुट गया hmm. मैं क्या किया मैं कुर्सी छोड़ के नीचे जमीन पे बैठ के जल्दी से तीन चार तस्वीरें खींची hmm. तो मदर स्वामी मिस के बंदा आ गया <laughs> hmm. तो कहती थी वट द हेल ऑन अर्थ आर यू डूइंग मदर तो मदर दो सिस्टर्स आर प्रेइंग एंड थ्रू द दे लुक लाइक एंजल्स फ्लाइंग इन इज ऑल राइट तो मैंने देखा कितनी मार टफ है यार hmm. और जब आप टेंडरनेस और पोइट्री की बात करो तो कहती इट्स ऑल राइट। तो मैंने कमाल हो गई mm. तो दूसरे दिन से हमारी असाइनमेंट शुरू हुई मदर mm. किन किन को छूती थी mm. किन किन को लाती थी mm, mm. और उनको रिजरेक्ट करती थी लिटरली यू नो व्हाई? बिकॉज शी सेड आई एम नॉट अ सोशल वर्कर व्हेन क्राइस्ट वाज सफरिंग आई वाज नॉट देयर टू सर्व हिम सो एनी बडी सफरिंग इज माई क्राइस्ट क्या बात है तो मदर क्या करती थी जब आपको मिलती थी तो दोनों हाथ आपके पकड़ के मिलती थी वो आपको नहीं देखती थी वो आपकी आंखों में आपके अंदर जाँगती थी तो जो वो अंदर जब झांकती थी तो तुम्हारा अंदर कांपता था, था कि माँ ने सब कुछ देख लिया वो ऐसी माँ थी कि अगर बिल क्लिंटन को फ़ोन करे हील कम ऑन द लाइन अगर वाजपेयी साहब को फ़ोन करे हील कम ऑन द लाइन ए नाम श्योर अगर सद्दाम हुसैन को भी मदर ने फ़ोन किया होता तो वो भी लाइन पे आता यस मदर रघु 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई उसमें जाहिर है मुझे याद है तो तुम्हारा बड़ा अजीम शान रोल था उसी के बाद फ़्रांस वगैरह में तुम्हारी एग्जीबिशन हुई वहाँ पर एक साब हुआ मोमेंट जो पाकिस्तान के आर्मी के इनफॉर्मर्स थे उनको उन्होंने पकड़ के मारा था मारा था और बेनेट से मारा था हाँ। लोगों ने तस्वीरें ले ली कुछ फोटोग्राफर्स रह गए तो वो मोमेंट फिर रिपीट किया गया ताकि वो तस्वीरें लें अब वो मोमेंट जो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ये झूठ जो है ये आजकल पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के सहारे से इसमें से हमने क्या खोया और इस बाजार ने क्या पाया नहीं देखिए ऐसा है कि जो तो फोटो जर्नलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन एंड कुकअप करना इज अ क्राइम अगर आप अपने क्रिएटिव खेल 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 रहे हैं चाहे कैमरा से खेल रहे हैं चाहे कैनवस और ब्रश से खेल रहे हैं आप कुछ भी कहीं से उठा के कहीं डाल दें लेकिन फोटो जर्नलिज्म में उसकी प्योरिटी और ऑनेस्टी रखना निहायत ही ज़रूरी है रघु कौन समझेगा कौन पहचानेगा अगर किसने बेईमानी की है इसमें फेक क्या है और सही क्या है कहीं ना कहीं जो झूठ होता है ना उसकी बदबू दिखाई देने लगती देखने वाला देखता है सभी के लिए ना हो शायद लेकिन देखने वाला उसको इंस्टिंक्टिवली जान लेता है कि आ, बात नहीं कुछ कुछ गलत है और मैं आपको बताऊं कि आप एक सच की विजन एक सच का एक्सपीरियंस आप जब शेयर करते हैं थ्रू फोटोग्राफ या राइटिंग तो जो आपके दुश्मन भी यहाँ कहते साले ने बोला तो सच यार जो मर्जी का हुँ, हुँ, है कि नहीं आ, तो ये बड़ी बात है कि तुम्हारे दुश्मन भी अंदर से कहते हैं यार बोला तो सच बात तो अच्छी कह गया चलो याद है जैसे जब जीप जयप्रकाश नारायण पे लाठी चार्ज हुई थी सीताराम केसरी सीता बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे हाँ, हाँ, हाँ मिले एयरपोर्ट हाँ, पे हाँ. और मुझे कहते हैं तस्वीर तो तुम्हारी बहुत अच्छी थी पर हम सहमत नहीं हैं हाँ, अरे <laughs> प्रेसिडेंट वीवी गिरी हाँ. खड़े हुए हैं इंदिरा गांधी के सामने इस तरह के मोमेंट्स हम एयरपोर्ट पे गए थे उन दिनों जब वीआईपीस कोई फॉरेन डग्निटीरीज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या आना होता था ऑलमोस्ट पूरी कैबिनेट जो थी एयरपोर्ट जाती थी तो उनको रिसीव करने तो ये किसी कंट्री के प्रेसिडेंट ने आना था इसलिए हमारे प्रेसिडेंट भी वहाँ थे अगर प्रेसिडेंट वहाँ है तो प्राइम मिनिस्टर को भी होना पड़ता है और हम कोई पंद्रह बीस फोटोग्राफ़र खड़े थे एक ही शामियाने के नीचे उन दिनों वहाँ पे शामियाने लगते थे अराइवल के लिए तो एक ही शामियाना था जो तीस चालीस फुट का होगा एक तरफ ये सारे पॉलिटिशियन कैबिनेट थी दूसरी तरफ हम खड़े होते थे तो मैंने देखा कि इंदिरा जी जो हैं वी गिरी के पास गई तो वी गिरी उनके साथ थोड़े बाहर को आए तो इंदिरा जी उनसे बात कर रही हैं कुछ ऐसे करके के, ऐसे करके, और वी गिरी साहब अपनी टोपी जो है पीछे अपने बॉटम पे रगड़ रहे हैं अच्छा हम सारे फोटोग्राफर खड़े हैं पर वो तो सारे अराइवल करने गए हैं और मैं तो जीने गया हूँ एक्सप्लोर करने कर रहा हूँ जिंदगी तो मैंने तो कैमरा दाग दिया <laughs> हम जो थे हम जाते थे चाहे हमारे पास एडिटोरियल ब्रीफ हो ब्रीफ देखिए मैं आपको बताऊं कि क्रिएटिविटी में ब्रीफ जो होता है ना उसकी बड़ा लिमिटेड रोल होता है कि आप सिचुएशन में गए हैं और सिचुएशन क्या कह रही है आपसे वहां ब्रीफ फिर नहीं चलती वहां ब्रीफ जो है वो पीछे रह जाता है mm. तो एक तो ये कि जो सिचुएशन ने आपसे गुफ्तु की mm. रू बरू हो के, mm. <laughs> वो है बात mm. तो आप जब वापस लौटते हैं जब रू बरू हो के, आप दर्शन करके आते हैं तो इट्स नॉट यू अलोन यू आर चार्ज विद दैट एनर्जी दैट यू इन्वेस्टेड एंड इन रिटर्न यू गॉट दिस सो यू आर नॉट एलोन यू आर चार्ज विद दैट पावर एंड दैट पावर मेक्स यू फाइट फॉर द राइट काइंड ऑफ स्पेस तुम में और आज के बाकी उन फोटोग्राफर्स में क्या फर्क है इस तुम्हारी ये सवाल में से मुझे अपने हुसैन बाबा की याद आ गई एम एफ हुसैन की uh, उनके इंतकाल से एक कुछ महीने पहले एक इंडियन आर्ट का आबूधाबी में शो लगा था तो दुबई में रहते थे और आबूधाबी तो इज नेक्स्ट डोर तो उस उस इंडियन आर्ट शो में मेरी चार तस्वीरें थी मेरे नए काम की तो वहां से मुझे आबू धाबी से फोन आया मेरे गैलरीज का कि राय साहब कैसे हैं शो बहुत बढ़िया चल रहा है हेयर इज हु वॉन्स टू टॉक टू यू तो हुसैन बाबा लाइन पे आए भाईजान कैसे हैं तो मैंने कहा अरे हुसैन बाबा कहते हाँ रघुराय यो वर्क हाँ तो तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें लेके चलूँ तुम्हारे जो तुम जगह तुम्हें मिलनी चाहिए इस दुनिया में क्या काम कर रहे हो तुम मुझे हुसैन बाबा की यह बात बड़ी लाजवाब लगती थी कि कहाँ मैं आपको बताऊँ ही वॉज द फर्स्ट वन जब हम स्टेट्स मन में आधा पेज पिक्चर देते थे क्रिएटिव मोमेंट फ्रॉम लाइफ कि एक दिन हुसैन जो हैं, ढूंढते चले आ रहे हैं भाई ये रहे कौन है, कहाँ बैठते हैं मुझसे आके मेरे दफ्तर में मिले, वही मन में statesman में, तो देखो ये ह्यूमिलिटी इनमें जो विजन थी और प्यार था वो बड़ी लार्जर स्पेस ऑक्यूपाई करता था जो आज भी करता है आज जो है आप धंधा करें और धंधा करके शाम को घर चले जाएं तो आत्मा को तो आपने उसके सोल के स्वरों को तो आपने सींचा नहीं है अपने काम में तो सोललेसली फोटोग्राफिक अफेयर्स करना जो है वो अलग बात हो जाती है आज के यंगस्टर्स कहते हैं साहब विच इज़ ऑल्सो करेक्ट कि आजकल कल एम्फिस जो है वो मैं आपको बताऊं एड्स पे है और हार्ड न्यूज पे है वो फोटोग्राफ्स के लिए स्पेस श्रिंक होती जा रही है कई अच्छी बात है बहुत गलत बात है देखिए आप तो राइटर हैं मैं ज़रा गुस्ताखी कर लूँ कि मैं ये मानता हूँ कि एक न्यूज़पेपर में हम्म या एक मैगजीन में जो स्टोरी जो टेक्स्ट लिखा है मैं उसको ब्रिक वर्क मानता हूं और जो एक अच्छी फोटोग्राफ है इज ओपनिंग अ विंडो टू वर्ल्ड तो मैं आपके ब्रिक वर्क में जब जान डालता हूँ hmm. उसकी मौत हो जाए ये बड़ी जुल्म की बात है आजकल के जो नए पॉलिटिशियंस हैं उनकी तस्वीर लेके कभी कैप्चर करने का जी चाहता मैं इंदिरा जी को खूब इंटेंसली फोटोग्राफ किया था फ्रॉम द बिगिनिंग द शी टू ओवर टू द लास्ट डे रेसेशन राजीव गांधी टू एक्सटेंट एंड देन नर्सिंग बहुत कम hmm. तो फिर देन आई गेव अप मैंने कहा यार ये दुनिया मेरे मतलब की नहीं है इस दफे hmm. ये इलेक्शंस hmm. शुरू होने से पहले 25 साल के बाद मैं पहली दफे कांग्रेस सेशन में गया hmm. और दूसरे दिन मैं बीजेपी के सेशन में गया hmm. और फिर थोड़ी सी इनकी इलेक्शन कैंपेन्स भी देखी राहुल गांधी की और hmm. सोनिया hmm. गांधी मोदी की hmm. तो मैं एक बुक्स छापने वाला हूँ कि वहाँ मैंने क्या देखा और यहाँ मैंने क्या देखा अगर मैं तुमसे ये पूछूँ कि इतने असाइनमेंट्स किए लेकिन वो जिसने की वाकई में तुम्हें अंदर से झिझोर दिया हो वो क्या उस बच्चे की तस्वीर नहीं थी जो कि भोपाल गैस ट्रेजडी में उसकी तस्वीर जो तुमने ली थी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसको देख के यकीनन रोए होगे। गए नॉट एट ऑल टीमेंटेलिटीज़ मैंने छोड़ दी थी <laughs> ट्रेजिडी तो बहुत बड़ी थी और वो फोटोग्राफ जो थी मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कितनी डेड बॉडीज़ रास्ते में देखी कितने बीमार औरतें और आदमी लाए जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं मतलब मौतें होती देखी तस्वीर में क्या चीज़ होना चाहिए जो उसको ग्रेट फोटोग्राफ पर देख यार अगर तेरे साथ गुफ्तगु में मुझे बताना है तो मैं थोड़ा अलग बता <laughs> सांस लेना भी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे जब मैं काम करता हूँ हर इंसान एक एनर्जी पे जीता है उसकी बीट जो है उसमें करंट है उसी तरह कोई भी वर्क्स ऑफ आर्ट राइटिंग हो फोटोग्राफी हो पेंटिंग हो उसमें अपनी एनर्जी और अपना करंट होना चाहिए के जिसने वो लिखा या बनाया या किया वो चले जाने के बाद भी आज भी अली अकबर खान साहब का आप देश मल्हार सुनो वाह वाह तो अब पंडित भीमसेन जोशी का माल कौन सुनो तो आपको ऐसा किसी ने नहीं गाया था तो वो जो करंट है तस्वीर जब आप खींचते हैं और जब मैं सांस रोक के सांस भी नहीं लेता हूं और खींचता हूं तो मेरी हार्ट बीट जो है वो कैप्चर करते वक्त एक बीट कैप्चर करती जिंदगी की पल्स से जो उसकी बीट बन जाती है और जब कोई उसको देखे तो फिर धड़कती दिखाई दे एक होता था कोडैक मोमेंट कार्तिक बॉक्स कैमरे से उसने तारीख बना दी क्योंकि मोमेंट को उसने पकड़ लिया नहीं उसने लाइका कैमरा यूज किया लाइका यूज किया हाँ वो जो एलिमेंट्री टेक्नोलॉजी में और आपके टेक्नोलॉजी में फर्क क्या था कार्ट्रिज ब्रस्टम वाज वन देयर वाज नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि वही एक वो उनमें से थे जिन्होंने 35 मिलीमीटर mm फोटोग्राफी में स्टेप इन किया था उससे पहले के लोग जो थे वो बड़े कैमरास यूज करते थे जो हैवी और स्लो होते थे तो शुरू के जो कैमरास थे उनमें से लाइका ही एक कैमरा था वस क्विक जिससे आप जल्दी खींच सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड और लाइट वेट होते थे तो उसी टेक्नोलॉजी की आगे जापान ने बड़ी इम्प्रूवमेंट्स की तो निकोन और कैनन कैमराज आए और निकोन भी ऑलमोस्ट वो क्या करते थे कि लाइका की कॉपी करके उसका लाइटर वर्जन चीपर वर्जन बनाते थे लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ गई डिजिटल इज दैट इज़ टोटली डिफरेंट बस वो जो है वहाँ पे आके दुनिया बदल फिल्म का जो मोमेंट था फिल्म फोटोग्राफी उसके ख़त्म हो जाने का असर तुम्हारे फन पे आर्ट पे क्या पड़ा वो भी टेक्नोलॉजी थी एनालॉग की फिल्म की जब हम फिल्म्स यूज़ करते थे और फिल्म्स की स्पीड्स होती थी लो लाइट में आपको हाई स्पीड फिल्म यूज़ करनी और डे लाइट में आपको स्लो फिल्म शूट करनी ताकि क्वालिटी अच्छी आए वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी अपनी लिमिटेशंस थी और एक अपनी क्वालिटी भी थी कुछ एक कुछ एक मसलन क्या वो क्वालिटी क्या थी वो क्वालिटी ये थी कि हर फिल्म का जो एमल्शन जो उस पर होता है उस पर जो मटेरियल सिल्वर लगता है उसमें उसका अपना टेक्सचर आता था जिसको हम ग्रेन बोलते हैं नहीं, नहीं। तो फोटोग्राफ में ग्रेन होता था नहीं, नहीं। तो जो यूँ समझे कि एटीज़ 90s की जो जनरेशन थी मतलब टू थाउजेंड तक नहीं, नहीं। उन्होंने ग्रेन देखा है तस्वीरों में नहीं। नहीं। उन्होंने उसका उसका डिफरेंट कलर क्वालिटी देखी है और उसके रिजल्ट्स देखे हैं तो जिनको वो आदत पड़ी हुई थी फिर आई डिजिटल टेक्नोलॉजी अब उसमें डिजिटल में ग्रेन की जगह पिक्सल होता है तो ग्रेन तो गायब हो गया तो जो इन बिटवीन जनरेशन है इज़ एट अ लॉस कि ये क्या हुआ और ये क्या है मैंने मुझे लगभग पचास साल हो गए मैंने फिल्म चालीस साल तक यूज़ की है चालीस हाँ अट्ठतीस साल तक यूज़ की, अब पिछले दस साल से मैं डिजिटल यूज़ कर रहा हूँ देखिए ऐसा है आप ये एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी जानते होंगे कि आपके पड़ोसी के घर में डेथ हो गई हम्म, चाहे आपका उससे कोई वास्ता नहीं है आप मिले ही नहीं उससे लंबा चौड़ा और जाके जोर जोर से रोने लगते हैं क्यों भाई क्योंकि आपके अंदर जो दुख हैं आप उनके नाम ला दे जा रहे हैं कि मैं देखिए मुझे तकलीफ है तो फिल्म की डेथ हो जाना कुछ एक लोग मेरा ये मानना है यार वो भी टेक्नोलॉजी थी ये भी टेक्नोलॉजी है दिस टेक्नोलॉजी मुझे कहीं ज्यादा फ्रीडम देती कंट्रोल देती है अबाव ऑल कि टू तो क्लिक अ पिक्चर एंड टू तो सी इट राइट नाउ कि मैं अभी क्लिक करके देख सकता हूं कि मेरे स्टेप्स कहाँ जा रहे हैं मैंने क्या कैप्चर किया है जैसे पेंटर है वो कैनवस लेके बैठा है उसका हर स्ट्रोक उसको दिखाई दे रहा है उसकी जर्नी क्या है आपने सुबह से लेकर रात तक शूट किया पंद्रह फिल्में शूट कर दी आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता क्या किया क्या किया और यहाँ तो आपने क्लिक किया और देख लिया तो उनको तकलीफ है उनको डेथ फिल्म की डेथ जो है तकलीफ दायर लगती जिनकी जिंदगी इनकम्प्लीट रही ये अब तो आपने तो उसको एक फलसफिया नाम नहीं ले ले नहीं थी, थी, सही थी, बात ये देखो हम बड़े झूठे रोने भी रोते हैं भाई वो टेक्नोलॉजी थी ये टेक्नोलॉजी ये तुम्हें ज़्यादा फ्रीडम देती है ये तुम्हें ज़्यादा कंट्रोल देती है मैं आपको बताऊँ मैं एक बड़े मैगजीन के लिए स्टोरी करने गया था बम्बे दो, दो में तीन में और मैं तभी नया डिजिटल कैमरा ख़रीदा तो मैं ढेर सारी फिल्म और दो कैमरे लेके गया था फ़िल्म के लिए और ये डिजिटल नया कैमरा जब सिर्फ छः मेगापिक्सल ही होता था बढ़िया क्वालिटी नहीं तो मैंने सोचा पहला दिन है यार चलो मैं अभी डिजिटल से शुरू करता हूँ फिर फिल्म थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन हो जाए वो दिन और आज दिन मैं फिल्म यूज़ करना मुझे भाता ही नहीं जो पहले टेक्नोलॉजी थी उसके पीछे रघु राय की आँख की ज़रूरत थी क्या अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है वो ऐसी है कंज्यूमर फ्रेंडली है कि जो भी चाहे वो फ्रेम कर ले दबक फ्रेम तो कोई भी कुछ लेकिन लेकिन देखिए ऐसा है हमारे एक जानने वाले फ़ोटोग्राफ़र वो नाराज़ हो जाते थे जब उनसे क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते थे कहते थे मेरी हर तस्वीर में एक कहानी है भाई ज़ाहिर है आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन को फ़ोटोग्राफ करेंगे कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी लेकिन क्या तुम्हारी कहानी बताने लायक है शेयर करने लायक है तो देखो आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी कमाल है और इतनी फ्रीडम देती है काम करने का आधी रात को सड़क के किनारे भी आप तस्वीर खींच सकते हैं उससे और फौरन ट्रांसमिट कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं हैं वहीं के वहीं आप तो ये सब तो लाजवाब है लेकिन उसके पीछे जो आँख है और आँख के पीछे जो दिल है उसने कितनी धड़कन उसमें डाली है ट मैटर्स एक दफ़ा तुमने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अच्छे फ़नकार को दिमाग की नहीं बल्कि वो अपने दिल से सोचने की सलाहियत चाहिए दिल से, दिल से देखे दुनिया दिल से देखे दुनिया। बिल्कुल वीडियो और मूविंग uh, पिक्चर में आने का कभी शौक़ पैदा नहीं हुआ नहीं नॉट रियली really. क्योंकि देखो ये एक बात ये भी है कि कई सारे पेंटर्स ने फोटोग्राफी अटैम्प्ट की कई तरह तरह के लोग अलग अलग मीडियम में इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं हर एक का इवन स्टिल फोटोग्राफ़ी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग या फीचर फिल्म मेकिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऐसा नहीं होता है कि जी मुझे तो कैमरा इस्तेमाल करना आता है मेरी कंपोजिशन अच्छी है मैं तो सिनेमा भी बनाऊंगा। ये इतना सादा नहीं है और ये कि आप कहते हैं कि हम एक फ्रेम में मोमेंट फ्रीज करते हैं और सारी कहानी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं mm. मैं सोचता हूँ वो बहुत इंटेंस बात है एंड यू हैव टू बी रेडी देयर एंड देन या तो आप पालें या आप खो दें mm. mm. राइटर देखो आप एक सिचुएशन में गए हैं mm. Mm. और आपने देखा वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो आपने देखा कि ये हो रहा है वो हो रहा है फिर आप शाम को ऑफिस आके कहते अरे यार अच्छा ये यूं था तो इसलिए वो हो रहा था हमारे पास तो टाइम नहीं हमारे पास ये यूं हो रहा है अगर हमने वहीं जाना है तो हमारा है नहीं तो गया ज़्यादातर इन्वायरमेंट इस वक्त जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि इसमें कलाओं का ये चीज़ें कम होती जा रही हैं अब ऐसा लगता है कि जैसे लोग दूर हो गए हैं अब पैसा बहुत ज़्यादा नहीं पैसा भी ज़्यादा है अपॉर्चुनिटीज़ भी पहले से बहुत ज़्यादा हैं पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं आज इतने और ज़्यादा मैगजीन हो गए हैं इतने न्यूज़पेपर इतनी चैनल्स हो गई हैं कि रुके नहीं रुकती ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वो गॉड यू नो लेकिन उसमें आपका काम क्या है नहीं लेकिन मेरी बात सुनिए ना फर्क ये आता है कि कमर्शलिज़म और पैसा इतना है कि लोगों के पास समय नहीं है रुक के जिंदगी को समझने का हुँ? और उसके मोमेंट्स को वैल्यू करने का स्लॉट्स हैव टू बी फिल्ड मनी टू बी मेड अच्छा दूसरी बात कि एक जमाना था जब हिंदुस्तान पे टाइम मैगजीन या फिगारो या कोई भी जो फॉरेन मैगजीन से वंस एंड अ वाइल्ड स्टोरी करते थे आज हर इश्यू में कोई ना कोई स्टोरी इंडिया पे फॉरेन मैगजीन्स में होती क्यों इंडिया कोई बहुत बड़ी पावर और हस्ती नहीं बन गया इंडिया इज बिकम द बिगेस्ट कंज्यूमर सोसाइटी एंड एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन इंडिया एंड इंडियंस दम सेल्व न्यू फाउंड मनी बस उसी में खोए हैं उस गेम में और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी जब मैं कह रहा हूँ इतनी लाजवाब है तो उसमें एक कमाल की बात यह भी है कि आप उसको ऑटो फोकस ऑटो एक्सपोजर पे रखिए कैमरा को फ्लॉलेसली कलरफुल तस्वीरें आ जाती हैं तो रंग बिरंगी तस्वीरें खींची पेपर ने छापी एक किसी ने कॉइन किया है इन्फोटेनमेंट ऐसी नामुराद एक्सप्रेशन है इन्फोटेनमेंट का कि उस पर जिए जा रहा है ये देश बहरहाल घूम फिर के ये कहते हैं कि एक बहुत अच्छा इस्थीटिक्स का जमालियात का हसन परस्ती का ख़ूबसूरत चीज़ों को देखने का ठहर के उम्र रबा की रात आहिस्ता गुज़र <स्याँगा> ए नाज़र कायनात आहिस्ता गुज़र एक शय पे भी जमने नहीं पाती है निगाह अफ़िला ए ए हयात हिस्त गुज़र रघु <laughs> बड़ा मज़ा आया